हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य एनटीपीसी 2020 के 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज में बायो के तीसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के दो सेशन में हम लोगों ने बायो का पार्ट वन और पार्ट टू देखा था, जहाँ पर टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक को सॉल्व करा था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बायो के पार्ट 3 की बात करेंगे, जहां पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक की बात करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो सेशन का पीडीएफ क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, शरीर के कुल वजन का लगभग 12% और शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। क्या होगा आंसर बताइए। मित्रों, आप सभी कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क का जो वजन होता है, सर मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो 1.4 kg। कितना सर? 1.4 kg। और ये 1.4 kg जो है आपके शरीर के कुल वजन का लगभग कितना है, 2% है। शरीर के कुल वजन का लगभग कितना है सर? 2%। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सर? सही होगा। ध्यान में रखेंगे, मस्तिष्क जो होता है सर, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है सर? बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है, मुलायम होता है। इसीलिए इसको बचाने के लिए आपके खोपड़ी में एक स्पेशल जगह होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कपाल गुहा कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कपाल गुहा। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं सर? क्रेनियम कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन बन पड़ता है कि मानव मस्तिष्क सुरक्षित रहती है तो कहाँ रहती है? कपाल गुहा में रहती है। या मानव मस्तिष्क का रहने का जगह क्या है, इंग्लिश में पूछे तो आप कह सकते हैं क्रेनियम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1.4 kg। ये शरीर के वजन का कितना है, तो लगभग 2% है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नेत्र गोलक आई बॉल को हम लोग बोलते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई बॉल को नियंत्रित करने के लिए कितने मांसपेशियों की जरूरत होती है। तो आप क्या कहेंगे सर? 6 मांसपेशियों की जरूरत होती है। आई बॉल को नियंत्रित करने के लिए कितने मांसपेशी की जरूरत होती है? सर 6 मांसपेशी की जरूरत होती है, जिसमें से 4 जो मांसपेशी होते हैं वो आपके रेक्टस पेशी कहलाते हैं। 4 जो मांसपेशी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेक्टस पेशियां कहलाते हैं, या इसी को हम लोग रिजू पेशी भी बोलते हैं। और 2 जो होते हैं आपके, उसको हम लोग तिरछी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछी पेशियां। तो आप क्या कह सकते हैं इस तरह से कि सर मानव का जो नेत्र गोलक है वो टोटल 6 मांसपेशी से नियंत्रित होती है, जिसमें से 4 को रेक्टस पेशियां बोलते हैं और 2 को हम लोग तिरछी पेशियां बोलते हैं। अच्छा, एक और सवाल यहां पे बन पड़ता है कि मानव का नेत्र गोलक कहां पे रहता है। तो आप कहिएगा सर क्वार्टर में रहता है। अब ये क्वार्टर क्या होता है? तो सर क्वार्टर को ही ऑर्बिट बोला जाता है। और आपके आँख के नेत्र गोलक का जो रहने का स्थान होता है, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आई बॉल निम्नलिखित में से कहाँ पे रहता है, तो आप कहेंगे क्वार्टर में रहता है, या अगर इंग्लिश में पूछे तो आप क्या कहेंगे? ऑर्बिट्स में रहता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। पहला है आपका ऑप्शन एंड्रोलॉजी। तो दोस्तों, इसमें हम लोग यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपका एंड्रोलॉजी है, इसमें हम लोग
मानव रोग के किसकी चर्चा करते हैं, तो स्पेशल रोग की चर्चा करते हैं, जैसे जनन से संबंधित कोई रोग हो गया या मूत्र मार्ग से संबंधित कोई रोग हो गया, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन या स्टडी हम लोग किस में करते हैं, तो एंड्रोलॉजी में करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है, तो ये जनन रोग या फिर आप कह सकते हो कि मूत्र मार्ग का रोग, ये सब एक विशिष्ट रोग माना जाता है जिसको हम लोग कहाँ पर करते हैं सर, एंड्रोलॉजी में करते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का पहला तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर आप अपने मन से कह दिए ऑप्शन नंबर ए, और भी तो ऑप्शन है, तो मेरे मित्र आपका जो ऑप्शन नंबर बी है एस्टाकिलोजी, इसमें हम लोग झींगा मछली जिसको क्रेफिश बोलते हैं उसके बारे में करते हैं सर। क्रेफिश के बारे में जब हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं, एस्टाकिलोजी कहते हैं, या आप लोग झींगा मछली तो नाम सुने ही होंगे, झींगा मछली उसके लिए क्या यूज़ होता है सर, एस्टाकिलोजी यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया है बायो इकोलॉजी, नेक्स्ट आपका क्या ऑप्शन है, बायो इकोलॉजी, तो आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि जीव और पर्यावरण के बीच में संबंध बताने वाले बायो के ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, बायो इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बायो इकोलॉजी। और आपके ऑप्शन में जो डेस्मोलॉजी है वो किससे संबंधित है, तो डेस्मोलॉजी सर लिगामेंट से संबंधित है, मतलब क्या कि स्नायु से संबंधित है। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो उम्मीद करते दोस्तों इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो तीन पार्ट में बटे होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क, पहला क्या होता है सर, प्रमस्तिष्क, और दूसरा होता है आपका सर मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है आपका अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इसको इंग्लिश में हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं और इसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन, और इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क या सेरिबेलम बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क या सेरिबेलम बोलते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है कि बुद्धि स्मृति भावनाओं और क्रोध का केंद्र होता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। अब आप कहेंगे कि सर मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है, तो जो हम लोग सुनते हैं देखते हैं इन सब चीज़ों के लिए कौन काम करता है सर, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और अनुमस्तिष्क जो होता है वो आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सर हाइपोथैलेमस, आप लोग कहेंगे सर इसको क्यों नहीं बोलते, तो सर हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके बॉडी के ताप को रेगुलेट करता है, ताप को नियंत्रित करता है। और आपके ऑप्शन में जो कार्पस कालोसम है, तो ध्यान में रखेंगे कि आपका जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, ये दो पार्ट में बटे होते हैं, दाया और बायां गोलार्ध में ये क्या होता है सर, बटा हुआ रहता है। मतलब प्रमस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं या प्रमस्तिष्क दो भाग में बटे होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दूसरा को बोलते हैं बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाला जो तंतु होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्प्स कालोसम कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्प्स कालोसम कहते हैं। मतलब क्या कि सेरिब्रम के दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध को जोड़ने वाला जो तंतु होता है वो क्या कहलाता है, कार्प्स कालोसम कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है मिड ब्रेन, तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि मिड ब्रेन का काम क्या होता है, तो ये आपके सुनने और देखने की संवेदना को एक्टिव रखता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है या डैश होती है, तो आप क्या कहेंगे सर, मस्तिष्क में उपस्थित होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन में होता है।
लेकिन अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ देता कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में होती है या इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर कि आपका जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो मस्तिष्क में थैलमस के नीचे होता है। मस्तिष्क में क्या होता है सर? थैलमस के नीचे होता है। एग्जैक्ट इसका लोकेशन और प्यूट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। प्यूट्यूटरी ग्लैंड के क्या होता है सर? ऊपर होता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये थैलमस का काम क्या होता है, तो ये सेंसरी मोटर को एक मोटर सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि ऐसे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है या कहाँ पे रहता है, तो आप सीधे कहेंगे सर मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क में कहाँ पे रहता है? तो थैलमस के नीचे रहता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रहता है। थैलमस क्या है? ये सेंसरी मोटर सिग्नल को क्या करता है? पारित करता है या भेजता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर क्या करता है कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सब से जो भी सेक्रेशन होता है उनका नियंत्रण करता है। तो दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है। अनैच्छिक मांसपेशियाँ हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स को कहते हैं। और आपके बॉडी में जनरली तीन टाइप के मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और आपका हृदय पेशी जो होता है। और ध्यान में रखेंगे ऐच्छिक पेशी को ही हम लोग रेखित पेशी बोलते हैं और अनैच्छिक पेशी को हम लोग अरेखित पेशी बोलते हैं। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऐच्छिक पेशी उसको बोलते हैं जिसको हम इच्छा अनुसार आप जब चाहें तब घुमा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक पेशी उस मसल्स को बोलते हैं जिसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं ला सकते हैं। तो जो दिल है आपका कार्डियक पेशी जो है वो क्या है सर? आपका अनैच्छिक मांसपेशी का उदाहरण है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, ये छोटा सा आपको कंसेप्ट याद रखना है कि मांसपेशी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला होता है ऐच्छिक मांसपेशी, पहला क्या होता है? ऐच्छिक मांसपेशी। दूसरा होता है अनैच्छिक मांसपेशी। दूसरा क्या होता है? अनैच्छिक मांसपेशी। और तीसरा होता है आपका हृदय पेशी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो हृदय में रहता है। आपको ध्यान में रखेंगे ऐच्छिक पेशी को ही हम लोग रेखित पेशी भी बोलते हैं और अनैच्छिक पेशी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरेखित पेशी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है, तो आप क्या कहेंगे सर? दिल में होती है, क्योंकि दिल का जो मसल्स होता है वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है, वो हमेशा चलते ही रहता है, उसको हम अपने इच्छा अनुसार मूव नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि मनुष्य के नवजात शिशु को अस्थन ग्रंथि में निकाल कर पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। मनुष्य के नवजात शिशु को अस्थन ग्रंथि से दूध जो निकाल करके पिलाया जाता है उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम। अब ये कह रहा है कि ये कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, जो माँ का दूध पहले नवजात शिशु को पिलाया जाता है वो नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के नवजात शिशु को अस्तन ग्रंथि में निकाल कर पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो आप क्या कहेंगे? रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र कि आपका जो कोलेस्ट्रम है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। इस कोलेस्ट्रम में क्या होता है सर? कि एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सर? ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपका एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन पड़ सकता है कि सर कोलेस्ट्रम में क्या होता है या कोलेस्ट्रम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप कहेंगे ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है
28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि इसी वॉइस बॉक्स को हम लोग स्वर यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र भी बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग एडम्स एप्पल भी बोल देते हैं। आपके इस क्वेश्चन का जो और अलग अलग ऑप्शन है वो क्या कहता है एक बार सुन लीजिएगा। पहला है ऑप्शन आपका अनुनादक तंतु, जिसको हम लोग रेजोनेटर्स कोड बोलते हैं, और जो रेजोनेंस उत्पन्न करते हैं, अनुनाद उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग अनुनादक तंतु बोलते हैं। जो आपका अस्पंदनशील तंतु है इसको वाइब्रेटरी कोड बोलते हैं, जो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। और आपका जो थायरोरिटेनाइड है ये आपका एक प्रकार का मसल्स है, जो कहाँ पर मिलता है, तो आपके वॉइस बॉक्स में मिलता है। कहाँ मिलता है सर? तो वॉइस बॉक्स के पास रहता है या वोकल कोर्ड्स के पास रहता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है? सर आपसे पूछा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो ऑन्कोलॉजी को हम लोग अबुर्द विज्ञान कहते हैं। ऑन्कोलॉजी को क्या कहते हैं सर? अबुर्द विज्ञान कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये अबुर्द विज्ञान जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो सर कैंसर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है सर? कैंसर से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे सर कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर हमारे ऑप्शन में अस्थि सुस्थिरता है। अस्थि सुस्थिरता, देखिए ये ऐसा नाम है कि अस्थि सुसरिता यहाँ पे नाम आ जाएगा, सुस्थिरता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्टोपोरोसिस। और ये आपका एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपकी जो हड्डी होती है वो बहुत ही कमज़ोर और ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल बोले तो भंगुर हो जाती है। तो अस्थि सुस्थिरता का मतलब क्या होगा? ऑस्टोपोरोसिस। ये क्या है सर? तो एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपका हड्डी क्या हो जाता है? कमज़ोर और ब्रिटल हो जाता है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर मधुमेह को हम लोग किस डॉक्टर से दिखाएंगे, इसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। मधुमेह का चेकअप करवाने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, डायबिटीज़ का चेकअप करवाने के लिए? तो सर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ब्रिक्स संबंधी विफलता, या आप समझ लीजिए कि ब्रिक्स संबंधी उपचार, किडनी संबंधी उपचार के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे सर? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो ये सब छोटा छोटा बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्रिक्स संबंधित रोगों का उपचार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो आप कहिएगा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कैंसर से पीड़ित लोगों को हम एक विभाग होता है जिसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जहाँ पे कैंसर का उपचार किया जाता है। और ऑन्कोलॉजिस्ट को हिंदी में हम लोग अबुर्द विज्ञान बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अबुर्द विशेषज्ञ, कैंसर विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऑस्टियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे हड्डी से संबंधित जो होते हैं उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट बोला जाता है। रोगाकरण विज्ञानी, तो आप समझ ही रहे हैं डिजीज का क्या सिम्टम्स होगा। और मूत्र विज्ञानी, तो इसको हम लोग यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, या यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवाल को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको कहीं दूसरे जगह मिलेगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।